नमस्कार, एस एम जेड न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं केवीएम स्कूल में, जहां पे केपीएल 7 की शुरुआत हो चुकी है, जी हां ओपनिंग हो चुकी है। आज पहला मैच खेला जा रहा है। ग्राउंड पे आप शोर से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेयर्स का क्या उत्साह है। हम अभी बात करेंगे कुछ कैप्टन से भी, कुछ प्लेयर से भी, कि किस तरीके का उत्साह है आज के पहले मैच को लेकर और आने वाले मैच को लेकर। जी हाँ, ये केपीएल 7 जो है 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलने वाला है, तो लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। जो भी ग्राउंड की खबरें होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की जो मैच है वो काफी ज्यादा हाई पॉइंट पे है, क्योंकि जो हमारे आज चीफ गेस्ट आई हुई हैं, क्रेमिका की फाउंडर मैम रजनी बेक्टर मैम आई हुई हैं, और भी काफी सारे चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, और केवीएम के डायरेक्टर सर भी मौजूद है। इनकी उपस्थिति के बीच ही मैच की शुरुआत हुई है, ओपनिंग हुई है और टॉस हो चुका है, मैच की शुरुआत हो चुकी है, पिच भी पूरी तरीके से रेडी है, तो आप भी एंजॉय कीजिए। हमारे साथ मौजूद है वो मैम जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है मैम, क्रेमिका ग्रुप की फाउंडर मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे हम। रजनी बेक्टर मैम मौजूद है, तो इनसे हम एक मिनट का जस्ट मैसेज लेना चाहेंगे बाकी टीम्स के लिए। केपीएल 7 में आप आए, ओपनिंग हुआ मैम, कैसा लग रहा है, इवेंट के बारे में कुछ? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज इतने सालों से जो बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं आपस में, जैन सब बच्चों की स्पोर्ट्समैनशिप है जिसके घर के वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे होना और बाइंडिंग लाना बहुत अच्छी बात है। ये इसके साथ जो है कि एक प्यार और बंधन बन जाता है, ये जो चीज़ें होती हैं जो लाइफ में बहुत काम आती हैं, और जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसके साथ ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी चलती है, अच्छी चलती है। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा है, इतने सालों से कुंदन स्कूल ये सब काम कर रहे हैं, ऐसे बुला रहे हैं सबको, इट्स वेरी नाइस एंड विश देम ऑल द बेस्ट। आप खुद जो है बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है मैम, आपकी खुद की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, तो आप बाकी टीम्स के को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक लाइन का मैसेज जो टीम्स के लिए? मैं टीम को यही कहना चाहेंगे, बहुत प्यार से खेलेंगे तो सारी जिंदगी प्यार ही रहेगा, प्यार ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने। अभी हमारे साथ केवीएम के डायरेक्टर सर मौजूद है, कपिल सर मौजूद है, बात करेंगे हम। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम मैसेज चाहेंगे केपीएल 7 के प्लेयर्स के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि जिस मजे से और जिस प्यार से या जिस स्पोर्ट्समैनशिप से आज तक खेलते हैं इतने सालों से, वही आगे भी कंटिन्यू करते रहें, और इससे उनके दोस्तों को या आगे की जनरेशन को भी जो मैसेज आता है, इनफैक्ट एक तरह का थैंक्स उन लोगों की का भी है पूरा। आज के इवेंट जिस तरीके का रहा, चीफ गेस्ट आए, अच्छे से ओपनिंग हुई और मैच भी चल रहे हैं, इसमें हमने एक टीम देखी जो कि काफी सीनियर की टीम थी, तो उनका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो भी काफी हाई था, तो ऐसे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है क्या केपीएल 7 से, कि आप कितने भी सीनियर हो जाओ बस जोश होना चाहिए खेलने का? मुझे तो लगता है आपने सवाल गलत पूछ लिया है, उन लोगों को खेलते देख के हमें मोटिवेशन होता है कि हमें इसको और बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, तो वो टीम बिल्कुल अपने आप में एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए, और बाकी यंगस्टर्स भी हैं यहाँ पे, तो हारने वाली टीम के लिए, जीतने वाली टीम के लिए, कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा, ऐसे में आप एक लाइन का जो मैसेज उनको देना चाहें? देखो, जिसने आपको हराया है उसको अगली बार हराना है ये सोच के तैयारी करनी है अगले साल, और जिससे आप हारे हो कोशिश करनी है कि हाँ देखो इतना कंपटीशन आपको दिया है तो यू मस्ट अप्रिशिएट कि वो आपके सामने डटे रहे और उन्होंने आपके साथ कड़के मुकाबला किया। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो कुछ ही क्षणों में केपीएल 7 का आगाज होने वाला है, और हम अभी जिनके साथ मौजूद है, डॉक्टर तेजेश्वर सर के साथ मौजूद है जो कि फिजिकल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड सर हैं और क्रिकेट के कोच भी हैं, तो सर से जानेंगे किस तरीके का माहौल है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। पहले तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल कुंदन नाइट्स, दिस इज अ 7th कुंदन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जिसमें मोर देन 20 टीम्स के हमारी पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, और माहौल आप देख ही रहे हो कितना इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, सारे अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आईपीएल के स्टार करण गोयल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गीतांश खेड़ा इसमें खेल रहे हैं, निखिल चौधरी, मैं एक बताना चाह रहा हूँ जो बिग बैश में हमारा केवीएम का लड़का खेल रहा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। जी, तो कोच सर हम पूछना चाहेंगे कितनी टीमें इस बार पार्टिसिपेट कर रही है? इस बार टीम्स जो है वो 23 टीम्स हैं, और जो नई बात एक है कि हमारी इस बार फैकल्टी की टीम भी इसमें खेल रही है। जो फैकल्टी की भी टीम खेल रही है, एक्साइटमेंट लेवल प्लेयर्स का हाई है। आज के इवेंट के बारे में बता दीजिए, क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, ओपनिंग सेरेमनी है आज? अभी अब ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं हम, ओपनिंग के बाद 2 मैचेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि कितनी टीम्स एफर्ट लगाती हैं, और इट विल बी अ ग्रेट फन। तो आपसे हम
क्रिकेट टीम के लिए मैसेज चाहते हैं कि जो टीमें खेल रही है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माय बेस्ट विशेस आर विद देम, प्ले द गेम विद द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड एंजॉय. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्पोर्ट्स हमें सिखाती है टीम स्पिरिट, टीम के साथ खेलें और अपनी हेल्थ को का ध्यान रखें और मेक द स्कूल एंड योर कंट्री प्राउड. बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए. हमारे साथ मौजूद है राइनोज के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जिसके आज मैच है, आज फर्स्ट मैच है. किस तरीके का आगाज हुआ है सर? ओपनिंग तो जबरदस्त रही, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप टीम मेंबर्स को? आई एम अ मेंबर ऑफ टीम राइनोज. हमारे टीम स्पॉन्सर ध्रुव इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स है. ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है एंड टॉस भी हो चुका है. टॉस हार गई राइनोज की टीम एंड जो उनको टेक्निकली चाहिए था बॉलिंग वो मिल गई है. सो अपना बेस्ट एफर्ट देंगे सब लोग बॉलिंग में एंड उनको कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे एंड देन चेज इट सक्सेसफुली. तो टीम के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे? टीम के लिए मैसेज यही है कि सब अपने अगर फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे तो क्रिकेट इज अ फनी गेम, कुछ भी होता है यहाँ पे एंड वी शुड बी एबल टू अचीव दिस विक्ट्री. थैंक यू. केपीएल 7 चल रहा है सर, फर्स्ट मैच है, आज ओपनिंग डे है, बहुत बड़े बड़े चीफ गेस्ट आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि प्रेशर में खेल रहे या फिर एकदम चिल मूड? प्रेशर होता है जब तक गेम शुरू नहीं होती है. वंस गेम स्टार्ट हो जाती है उसके बाद प्रेशर को बाहर छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते. बाकी टीम के लिए कोई मैसेज? बाकी टीम के लिए गिव योर बेस्ट पोटेंशियल एंड सारे केपेबल है, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा खेलेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड विक्ट्री अचीव कर लेंगे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए. केपीएल 7 के एक्साइटमेंट लेवल आप देख सकते हैं, हमारे साथ कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, हम बात करेंगे. नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अमन चड्ढा. हां जी, कौन सी टीम है? वी आर फ्रॉम अवेंजर्स एंड वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट फॉर द लास्ट 5 इयर्स. तो एक्साइटमेंट लेवल किस तरीके की है क्योंकि ओपनिंग तो हो चुकी है? इट्स वेरी हाई द मोमेंट हियर, इट्स वेरी गुड. तो आप अपने साथी प्लेयर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट एंजॉय द गेम, जस्ट गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. और आपको क्या लगता है इस बार आपकी टीम कितने अच्छे से परफॉर्म करेगी? हम जीतेंगे मुझे लग रहा है इस बार. अच्छा, हम जीतेंगे पक्का, कॉन्फिडेंस लेवल अप है. और भी बात करेंगे हम प्लेयर्स से, जानते हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल किस तरीके का. तो जिस तरीके का आगाज हुआ है सब में एक्साइटमेंट लेवल हाई है और हम जिनके साथ मौजूद है उनकी एक्साइटमेंट लेवल देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे. जी हाँ, हम अभी 88 रॉकर्स टीम के साथ मौजूद है, सर से बात करेंगे. नमस्कार सर. नमस्कार जी. क्या लेवल एक्साइटमेंट का? बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल है. अच्छा, और अलग सी तरंगे जारी रहती है जब ये केपीएल 7 स्टार्ट होता है. तो शुरुआत कैसी रही थी, मतलब इस बार पूरा डट के कि हाँ भाई अब तो केपीएल 7 में जाना है इस बार? जाना है, हर शुरू से खेलते आ रहे हैं केपीएल 7 को, पिछले 7 सालों से खेलते आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली खेलते आ रहे हैं. तो अभी हमारा कल पहला मैच होगा, कल आपका पहला मैच, कल आज हमारा मैच नहीं है, कल हमारा स्टार्ट सेकंड मैच है. जी हाँ, सेकंड आज आगाज हुआ है, आपने बाकी टीम्स को भी देखी, सभी हाई जोश पे, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करेगी? सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा जोश के साथ. अपनी टीम को क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में मैसेज? जियो जी भर के. जियो जी भर के, क्या बात है. एक बार सभी मिलके जोश दिखा दीजिए. तो इस टाइम सबका एक्साइटमेंट लेवल भी हाई है और मोटिवेशन लेवल भी हाई है. तो सबको आपने सुना किस तरीके का मैसेज दिया है अपनी टीम के लिए, बाकी सभी टीम्स के लिए. तो उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी. इसी के साथ हम विदा चाहते हैं आपसे. मैं निधि झा, कैमरामैन कश्मीर के साथ.